तो ये है सेंसुई की 24 इंच की एलईडी टीवी है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है वाइट डिस्प्ले का। तो कस्टमर ने बताया कि चलते चलते अचानक इसका पूरा डिस्प्ले वाइट हो गया, केवल साउंड इसमें आ रहा था। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक बार इसको चालू करके कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है, देन उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने इसके प्लग को सीरीज में लगा के रखा हूँ, देन इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देन अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ। रिलीज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसके डिस्प्ले में ये पूरा यहाँ पर टोटली यहाँ पर वाइट शो हो रहा है हमारे डिस्प्ले पे। यहाँ पर बैकलाइट के दो तीन लाइट यहाँ पर शो हो रहे हैं, बट वो मैटर नहीं करते हैं। बाकी जो हमारा टोटल डिस्प्ले है टोटल यहाँ पर वाइट शो हो रहा है, आप देख सकते हो। एंड हाँ, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मैं इसको चालू करता हूँ तो जो हमारे सीरीज में यहाँ पर लोड लेता है जो कि नहीं लेना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ एक बार। जैसे मैं इसको चालू कर दिया, चालू करने के बाद दोस्तों अब मैं करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो उसके डिस्प्ले में यहाँ पर वाइट से होगा, एंड यहाँ पर हमारा लोड लेना चालू कर देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सर लोड यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, एंड कभी कभी यहाँ पर 2 से 3 सेकंड बाद ही यहाँ पर बंद हो जाती है। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में इसको कैसे रिपेयर करना है पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। इसमें फॉल्ट किस जगह पे है, इसका डिस्प्ले ख़राब है या इसका मदरबोर्ड ख़राब है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, कैसे उसको रिपेयर करना है पूरा सिखाऊंगा भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम से छोड़कर शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका मॉडल नंबर, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे LED TVS JX22FB-2FA। तो दोस्तों हमारी 22 इंच की हमारी LED है, तो मैं इसके बैक कवर को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसके बैक कवर को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है हमारा कॉम्बो मदरबोर्ड जो कि हमको सैमसंग की LED में देखने को मिल जाता है, एंड दोस्तों यही सेम मदरबोर्ड हमको वीडियोकॉन की LED में भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों दोनों ही कंपनी हमको सेम टू सेम यही वाला मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि हमारा कॉम्बो मदरबोर्ड कहलाता है। एंड हाँ दोस्तों, अब बारी आती है वाइट डिस्प्ले की। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जो वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट आता है वो 95% हमारे डिस्प्ले से आता है, एंड 5% दोस्तों मुश्किल से ही हमारे मदरबोर्ड से आता है जो कि ना के बराबर है। बट 95% दोस्तों जो ये वाला फॉल्ट है हमारे वाइट डिस्प्ले का वो हमारे डिस्प्ले के प्रॉब्लम के कारण ही आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या चीज़ चेक करना पड़ेगा कि हमारा मदरबोर्ड ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है इसका FFC केबल जो कि हमारे डिस्प्ले में गया है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा कि हमारे डिस्प्ले में जो वोल्टेज जाता है 5 वोल्ट या 12 वोल्ट वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब इसको कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें अलग जंपर यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ये वाला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसमें एक साइड में यहाँ पर 12 वोल्ट आता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर 5 वोल्ट आता है, अन्य पहले वाले में 12 वोल्ट और तीसरे वाले में 5 वोल्ट, एंड बीच वाला यहाँ पर जो रहता है हमारा वो हमारा जाता है डिस्प्ले में। जब हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे तो बीच वाले में जो भी यहाँ पर वोल्टेज देंगे हम वो वोल्टेज यहाँ पर जाएंगे हमारे डिस्प्ले में। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट में यहाँ पर सेट है, इस साइड ने 5 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से इसमें जंपर है, 5 वोल्ट सप्लाई बीच वाले पॉइंट में जा रही है, तो इसका मतलब वो जो हमारा डिस्प्ले है वो हमारे 5 वोल्ट का है, एंड यहाँ पर 5 वोल्ट प्रॉपर आना चाहिए कोई भी एक साइड में। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं वो ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। अगर उसका वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा तो क्या होगा, जैसे उसका वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा तो पूरी सप्लाई को वो ड्रॉप करेगा, तो क्या होगा उस कंडीशन में हमारे LED यहाँ पर चालू होकर तुरंत बंद हो जाएंगी या कुछ समय बाद यहाँ पर बंद हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आप मल्टीमीटर के थ्रू इसको चेक कर लेता हूँ, देन उसके बाद में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को रखा हूँ 20 वोल्ट DC पे, एंड जो मेरे निगेटिव वाली प्रॉब्लम है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया हूँ, मैंने इसकी बॉडी में यहाँ पर एक वायर के थ्रू यहाँ पर लगा दिया हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर बता सकूँ। एंड दोस्तों अब मैं करता हूँ उसको चालू और देखते कि यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं इसके प्लग को सबसे पहले सीरीज में लगाता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, ये देख पा रहे हो यहाँ पर प्रॉपर 5 वोल्ट आ रहा है आप देख सकते हो, तो ये सप्लाई हमको यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको स्टैंड में से रिलीज़ और इसको चेक कर लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से रिलीज़ कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 2.7 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार, 4.2 वोल्ट हो गया दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैं चालू करता हूँ, एंड अगर आप यहाँ पर देखना इसके बैक लाइट में ये चालू को तुरंत यहाँ पर बंद हो गया। तो दोस्तों इसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको निकाल दूंगा हमारे केबल को,
ताकि हमारा डिस्प्ले यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद दोस्तों अब मैं इसको वापस चालू करूँगा, देखूँगा कि जो हमारा डिस्प्ले है वो तो बंद हो जाएगा एंड जो हमारा बैकलाइट होगा यहाँ पर कंटिन्यू चालू होता है कि नहीं होता। तो मैं इसको फिर से एक बार चालू करता हूँ। चालू करने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ पर हमारा बैकलाइट भी चालू हो चुका है आप देख सकते हो एंड बंद भी नहीं हुआ। एंड यहाँ पर मैं चेक लेता हूँ वोल्टेज को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5.55 यहाँ पर आ रहा दे सकते हो, यानी 5.5 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर आ रहा आप दे सकते हो। एंड जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा हमारे केबल को तो मतलब वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होकर 2.7 वोल्ट यहाँ पर हो जाता है। तो इससे कन्फर्म होगा दोस्तों कि जो हमारी शॉर्टिंग है वो हमारे डिस्प्ले पे है। तो हमको डिस्प्ले को यहाँ से ओपन करना पड़ेगा बिकॉज नीचे साइड से ओपन नहीं होता, ये ऊपर साइड से ओपन होता है हमारा डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले यहाँ पर उल्टा लगा हुआ रहता है। तो हमको उसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर वाले बैक कवर को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों अब मैं करता हूँ इसको चालू और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पासवर्ड प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है 5V1, यहाँ पर पासवर्ड प्रॉपर आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर 2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा था एंड तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट लगभग आएगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको चालू करता हूँ यहाँ से। तो जैसे इसको मैं यहाँ से चालू करूँगा एंड आप यहाँ पर देखना मल्टीमीटर में यहाँ पर 2.4 वोल्ट आया ये देख सकते हो और ये तुरंत यहाँ पर ड्रॉप हो गया। यानी यहाँ पर इतना वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है कि हमारे एलईडी यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज दे ही नहीं पा रही है और तुरंत यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप करके पूरा स्टैंड बाय कंडीशन में चले जा रही है। एंड आप मेरे को यहाँ पर इसको चेक करना पड़ेगा इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। ये दोस्तों कौन सी कंपनी का है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाऊँ दोस्तों इसका मॉडल नंबर M215STN01.1 Ctrl-BD21M04CO2। तो दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर है, AUO का पैनल है हमारा। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो दोस्तों ये हमारी IC यहाँ पर दी हुई है DC to DC IC। तो हम सबसे पहले इसको चेक करना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों इसमें मेरे को 2-3 PF यहाँ पर हीट दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा हीट हो यहाँ पर रखे हुए आप देख सकते हो। बाकी आप यहाँ पर PF देख सकते हो बिल्कुल भी हीट नहीं है। एंड ये वाली IC दोस्तों इसके पीछे भी आप यहाँ पर देख पा रहे पूरी यहाँ पर हीट हो चुकी है, आप देख पा रहे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पूरी यहाँ पर हीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर रंग यहाँ पर अलग ही शो हो रहा है एकदम डार्क डार्क। एंड दोस्तों यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे जिसका PF है इसका जो कलर यहाँ पर किस टाइप से हो गया, देखिए PF का कलर यहाँ पर इस टाइप का शो हो रहा है एंड इसमें इस टाइप का यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इसके सारे PF को, सारे कैपेसिटर को एंड सारी कॉइल को यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ कंटिन्यूटी पे एंड यहाँ पर आप बजर के बाद सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरी सप्लाई इन होती है 5 वोल्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करता हूँ इसके PF को, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 172 यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है आप देख सकते हो। एंड पलटाने में यहाँ पर 278 यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 270 यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है। तो दोस्तों अल्टी पल्टी यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है तो ये भी हमारा ख़राब हो सकता है। बट दोस्तों अगर ये यहाँ पर शॉर्ट होगा तो हमारा वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, जो हमारी व्हाइट स्क्रीन है वो भी यहाँ पर नहीं बनने वाली। बट यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन बन रही है यानी जो इसकी सप्लाई आगे जा रही है DC to DC IC में, तभी दोस्तों वहाँ पर हमारी व्हाइट डिस्प्ले शो हो रही है। तो दोस्तों एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं हमारे IC सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं आके सभी PF को चेक कर लेता हूँ, 140 कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही, यानी एक साइड में रीडिंग शो होंगी और एक साइड में नहीं होंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रीडिंग शो हो रही आप देख सकते हो एंड पलटाने में यहाँ पर रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो ये वाली कॉल हमारी ओके है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो हमारी IC है DC to DC IC, इसके पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट हुई, आप यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट हुई है। तो इसका मतलब दोस्तों कि जो हमारे IC के आसपास ही कोई ना कोई शॉर्टिंग है, तभी हमारी ये वाली IC यहाँ पर हीट हुई है। तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं इसके आसपास सभी PF को चेक करता हूँ एंड इसकी कॉइल को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। ये हमारा ग्राउंड, इससे मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है आप हमें देख सकते हो एंड इसको पलटाऊँगा यहाँ से मैं, तो यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है आप हमें देख सकते हो। तो ये वाली कॉइल हमारी ओके है एंड ये भी हमारी ओके है। एंड दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सभी PF को, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने गौर किया यहाँ पर एक 2 PF यहाँ पर लगे हुए हैं जिसका जो कलर यहाँ पर अलग किस्म का यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो यानी इसका कलर यहाँ पर उड़ गया या हीट हो गया है।
तो इस कारण दोस्तों यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 36 यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है, आप देख सकते हो। देन पलटाने में यहाँ पर 36 है ना दोस्तों, यहाँ पर अल्टी पल्टी दोनों में यहाँ पर 36 रीडिंग शो हो रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो 36। देन पलटाने में वापस 36 है ना, फुल शॉट नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर 36 रीडिंग शो हो रही है। देन इसको मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ 36, देन पलटाता हूँ इसको 36। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही पीएफ यहाँ पर 36 रीडिंग शो कर रहे हो, भी अल्टी पल्टी में सेम रीडिंग है। बाकी पीएफ में क्या हो रहा है, एक साइड 120, दूसरे साइड में पलटाने के बाद 240 250। तो दोस्तों सभी पीएफ में यहाँ पर रीडिंग कम ज़्यादा हो रही है, बट इसमें अल्टी पल्टी दोनों में इक्वल है, यानी ये अर्थिंग से यहाँ पर शॉर्ट है, फुल शॉर्ट नहीं है, माइनर शॉर्ट है। एंड मैं बाकी पीएफ को भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 508 यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है। देन पलटाने में यहाँ पर रीडिंग आके यहाँ पर गायब हो गया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी पीएफ ओके है। एंड जो ये वाला पीएफ है दोस्तों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में से कोई एक पीएफ हमारा शॉर्ट हो सकता है या दोनों ही पीएफ हमारा शॉर्ट हो सकता है। तो अब ऐसे कंडीशन दोस्तों हम यहाँ पर दोनों ही पीएफ को निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा पीएफ शॉर्ट है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों पीएफ के एक एक पॉइंट को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं दोनों पीएफ को एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 38 यहाँ पर रीडिंग्स हो रही है। एंड मैं इस वाले को भी चेक कर लेता हूँ। तो ये वाला पीएफ हमारा ओके है, बट दोस्तों ये वाला जो पीएफ है ये यहाँ पर शॉर्ट है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ एक बार जूम करके, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ से एक वायर लिया हूँ अर्थिंग का, एंड इसको मैंने निगेटिव प्रॉब में लगा दिया हूँ। एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये हमारी आई सी है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो पीएफ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, किसी में तीन रहते हैं, किसी में दो रहती है। तो यहाँ पर आप देख पाओ मैं दोनों कहाँ से ओपन कर दिया हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर। एंड दोस्तों ये हमारा ग्राउंड है, ये वाला, यहाँ पर आप बजर के आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये हमारा ग्राउंड है। एंड यहाँ पर हमें सप्लाई आती है, यहाँ पर रीडिंग स्टोरी आप हमें देख सकते हो 975 यहाँ पर रीडिंग स्टोरी आप हमें देख सकते हो। एंड जो हमारा पीएफ है दोस्तों ये वाला, इससे यहाँ पर आउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रीडिंग हमारी आउट हो रही है, आप देख सकते हो 1010 देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये वाला जो पीएफ हमारा, ये वाला पीएफ हमारा ख़राब है। एंड इसमें दोस्तों कोई भी यहाँ पर रीडिंग शो नहीं हो रही, आप हमें देख सकते हो टोटली ब्लैक है यहाँ पर, यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं हो रही, आप हमें देख सकते हो। एंड जैसे ही मैं इस वाले को टच करूँगा, इस वाले पीएफ में, तो यहाँ पर रीडिंग शो आप हमें देख सकते हो। तो दोस्तों ये वाला जो पीएफ हमारा शॉर्ट है, तो इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, या मैं दोनों ही पीएफ को यहाँ से निकाल देता हूँ, ना रहेगा पीएफ और ना ही कोई दिक्कत होगी कस्टमर को। ये वाला हमारा एक पीएफ एंड ये वाला हमारा दूसरा पीएफ। तो मैंने दोनों ही पीएफ को यहाँ से निकाल दिया हूँ। एंड अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ। इस तरीके से तो मैंने दोनों पीएफ को यहाँ से निकाल दिया हूँ। निकालने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ मैं रीडिंग यहाँ पर कितनी से हो रही है। ये देख पा रहे होंगे 1040 यहाँ पर शो होना चालू हो चुकी है। अब यहाँ पर कितना हो रहा था, 200 कुछ यहाँ पर शो हो रहा था। एंड ये तो हमारा ग्राउंड है एक साइड का, पीएफ का एक साइड हमारा ग्राउंड रहता है और एक साइड यहाँ पर रीडिंग शो होती है। तो यहाँ पर कितनी रीडिंग शो हो रही है, मैंने बताया था 900 के ऊपर यहाँ पर होना चाहिए, 900 के आसपास। तो यहाँ पर 1000 के आसपास रीडिंग आना चालू हो चुकी है। तो इसका मतलब जो मेरी शॉर्टिंग है वो यहाँ से हट चुकी है। एंड जो हमारा मेन फॉल्ट दोस्तों हमारे ये वाले पीएफ में था। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर तीनों पीएफ को चेक कर लेना, यहाँ पर 1 2 3 किसमें यहाँ पर 2 पीएफ रहते हैं, किसमें यहाँ पर 3 पीएफ रहते हैं। एक साइड हमारे पूरा ग्राउंड रहेगा एंड एक साइड में रीडिंग शो होती है। तो दोस्तों अगर इसमें अल्टी पल्टी दोनों में यहाँ पर रीडिंग शो होती है हमारे पीएफ में, तो पीएफ हमारा शॉर्ट रहेगा। तो उसको आपको निकाल देना, निकालने का दोस्तों उसको एक बार आप चेक कर लेना कि जो हमारा डिस्प्ले है वो यहाँ पर चालू हुआ कि नहीं हुआ, एंड जो हमारा वाइट डिस्क का प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने इसको थोड़ा क्लीन कर दिया हूँ ताकि इसमें कोई शॉर्टिंग ना रहे। एंड क्लीन होने के बाद दोस्तों अब मैं इसको पूरा फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया हूँ। क्लीन करने के बाद दोस्तों अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखते हैं कि जो मेरा डिस्प्ले है वो यहाँ पर चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मैं करता हूँ इसको ऑन। ऑन करने का दोस्तों अब मैं करता हूँ इसको स्टैंड बाय से रिलीज। रिलीज होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हो चुका है यहाँ पर चालू, और यहाँ पर ए वी लिखा आ चुका है, आप यहाँ पर दे सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट था वो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी नो सिग्नल आना चालू हो जाएंगे, ये आ चुका है यहाँ पर नो सिग्नल, आप यहाँ पर दे सकते हो।
एंड मैं मेनू को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मेनू भी ओपन हो चुका है। तो दोस्तों जो हमारा फॉल्ट था वाइट डिस्प्ले का वो यहाँ पर रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो पीएफ छोटे वाले ये दोनों यहाँ पर शॉर्ट थे, यानी यहाँ पर शॉर्ट एक ही था बट मैंने यहाँ पर दोनों को यहाँ से निकाल दिया, किसी में तीन रहेंगे किसी में दो रहेंगे, तो मैंने दोनों को यहाँ से निकाल दिया हूँ। बिकॉज अगर आप एक को निकालूंगे यहाँ पर तो जब कि आईसी यहाँ पर हीट होती है तो कुछ समय बाद क्या होगा जो आपका दूसरा पीएफ है वो भी यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हूँ कि आप कैसे इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों कैसे आपको चेक करना है, कैसे वोल्टेज को देखना है कि कहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कहाँ पर फुल शॉर्ट है कहाँ पर माइनर शॉर्ट है, आप लोग सबसे पहले चेक कर लेना है। कौन कौन से पीएफ यहाँ पर 120 200 यहाँ पर रीडिंग से हो रही थी एंड कोके पीएफ हमको यहाँ पर 36 यहाँ पर रीडिंग से हो रही थी। तो दोस्तों जिसमें भी आपको कम से कम यहाँ पर रीडिंग से होंगी ग्राउंड से अल्टीपल टी में, फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो रहा था 36 यहाँ पर रीडिंग से हो रही थी, यानी 36 ओम की बहुत ही कम यहाँ पर रीडिंग से हो रही थी जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जितने भी यहाँ पर पीएफ रहते इसमें अल्टी पल्टी कोई भी रीडिंग से नहीं होना चाहिए। अगर आप हल्की से यहाँ पर रीडिंग से होती है अल्टी पल्टी में तो माइनस शॉर्टिंग कराती है, तो उस कारण क्या होगा जो आपका वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा एंड जो आपका VGH VGN यहाँ पर नहीं बनने वाला, तो उस कंडीशन में क्या होगा जो आपका वाइट डिस्प्ले यहाँ पर शो होगा। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब मेरे चैनल ताकि मैं और वीडियो आता रहूंगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।